वेलकम टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। आज हम आपको विराट नगर के जैन मंदिर, जो कि प्राचीन जैन मंदिर है, वहाँ लेके आए हैं। और ये हमारे अरावली पर्वतमाला के बीच में बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए दिखाते हैं आपको मंदिर। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। और इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। तो ये है मेरे साथ पूजा, जो कि इस मंदिर की केयर टेकर है। तो ये आपको बताएगी इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर 400 साल पुराना है। ये जब अकबर जयपुर से दिल्ली क्रॉस करता था तो रुकने का स्थान था। अकबर यहाँ ठहरा करता था और यहाँ 2-4 दिन में रुका करता था। और फिर दिल्ली के लिए यहाँ से जो रास्ता जाता है पावटा से कोटपुतली होकर दिल्ली निकल जाया करता था। तो यहाँ एक सुरंग भी है और कुआ भी है। आइए आपको दिखाते हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। ये 3 बार चोरी हो चुकी है। 3री बार चोर अंधे हो गए थे। पुलिस को शक हुआ कि इस गाड़ी में चोरी का माल है, तो पुलिस ने उसका पीछा किया। तो चोरों ने देखा कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, तो उसने पहाड़ी पे से मूर्ति खाई में डाल दी। तो ये मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कहीं से भी क्रोच नहीं आई इस मूर्ति में। ये मंदिर पहले अकबर का महल था। ये जो रेड कलर पेंटिंग है वो अकबर के जमाने की है। इसका भी बहुत निर्माण हो चुका है। अभी ये शीशे और ये मार्बल वगैरह का काम, नई वेदी, ये अभी हुई है। पहले बस यहाँ एक ही मूर्ति थी। ये मतलब बाहर से अकबर का मंत्री था टोडल बल जैन, उसे दिया था दान में। उसने यहाँ के जो जैन समाज थे उन्हें दे दिया था। और यहाँ ये पहले विराट नगर मत्स्य देश की राजधानी हुआ करती थी। अब तो काफी लोग यहाँ से कहीं दिल्ली तो कहीं जयपुर रह के बस रहे हैं। ये इस बेदी के पीछे देखो सिक्का भी चिपकता है। बहुत से लोगों की मान्यता भी यहाँ से पूरी हुई है। सब कुछ नहीं है यहाँ पे और फिर भी ये सिक्का बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के चिपका हुआ है। सो इसे हम एक चमत्कार ही कहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये इस जैन मंदिर का परिसर है। तो आइए दर्शन करते हैं यहाँ के। ये 24 भगवान है। 24 भगवानों के स्मारक हैं ये। पीछे भी आंवले का बाग है। खूब बड़ा एरिया है ये। यहाँ काफी 700 पेड़ है यहाँ आंवले के, जो साल में एक बार आंवला आता है। और ये आप देख रहे हैं जो 5 पांडव है। यहाँ विराट नगर में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, जिसमें से बाद में पांडवों ने तपस्या करी थी। तो 3 तो सिद्ध चले गए थे, 2 मुनि अवस्था में रह गए थे। ये नकुल है। इसी को परमेश थी, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, आप देख रहे हैं। पीछे आंवले के बाग है। देखो पेड़ में आंवला भी आ रहा है। गया
धर्मशाला है रहने की, संत निवास भी है, यहाँ जो साधु आते हैं जैसे कोई अलवर से तिजारा या जयपुर के लिए कोई साधु निकलते हैं तो वो यहाँ विश्राम करते हैं। ये आपको दिख रहा है संत भवन। एक कमरे का किराया यहाँ का 300 रुपए है, और जैसे अब जो यात्री दे रहे श्रद्धा अनुसार, अब वैसे फिक्स नहीं है कोई किराया इसका। और यात्री काफी आते हैं यहाँ, बरसात में भी आते हैं, होली पे भी आते हैं, काफी रुकते हैं, विधान पूजन आदि इत्यादि करते हैं।